हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं कि आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन। पिछली वीडियो में भी प्रीपोजिशन को पढ़ा, उसके कुछ जो सेट थे उसको कंप्लीट किया। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं, यानी कि जो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो आपके डीएलएड फोर सेमेस्टर में आए हुए हैं, यानी कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि 2 से 3 वीडियोज ऐसे लाने चाहिए जिसमें आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो चलते हैं, आज का जो फर्स्ट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाता है रोहन डाइड डॉट डॉट डेंगू, यानी रोहन क्या है, वो किससे मरा, तो डेंगू से। तो किसी चीज़ से मरना, यानी किसी बीमारी से मरना, जैसे डेंगू से कोई मर रहा है, मलेरिया से कोई मर रहा है, या कोई भी बीमारी है उससे कोई मर रहा है, तो उसमें क्या है कि ऑफ का यूज़ करेंगे, यानी रोहन डाइड ऑफ डेंगू, यानी किसी चीज़ से, किसी बीमारी से कोई मरा है, यानी बीमारी की बात यहाँ पे हो जाती है, तो ऑफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद है योर होम इज डॉट डॉट राजेंद्र नगर डॉट डॉट दिल्ली। तो यहाँ पे राजेंद्र नगर क्या है, राजेंद्र नगर दिल्ली में आता है, यानी वहाँ का एक एरिया है। और दिल्ली क्या है, तो बहुत बड़ी भाई सिटी है, तो जहाँ पे जो बड़ी सिटी होती है वहाँ पे इनका यूज़ होता है, और जो उसके अंतर्गत आता है यानी छोटी एरियाज़ के लिए एट का यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ यहाँ पे चेंज भी हो सकता है, यहाँ पे बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, लेकिन कन्फ्यूज़न को क्लियर करना भी चाहिए और ज़रूरी भी होता है। अब ये नहीं है कि हमेशा दिल्ली के साथ इन्हीं आएगा। अगर बात हो रही है अमेरिका की, आप अमेरिका में हैं और दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के लिए इनका यूज़ करेंगे और दिल्ली के लिए एट का यूज़ करेंगे। जैसी कंडीशन हो वैसा आपको वर्क करना है। लेकिन यहाँ पे राजेंद्र नगर दिल्ली में आता है, तो राजेंद्र नगर के साथ एट का यूज़ करेंगे और दिल्ली के लिए इनका यूज़ करेंगे। द टॉय इज़ द टेबल। अब टॉय कहाँ रखा हुआ, यानी जो खिलौना है वो या तो टेबल के ऊपर रखा हो या टेबल के नीचे रखा हो, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, इस स्थिति में आप ऑन या अंडर दोनों में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती। लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो हो सकता है इस तरह क्वेश्चन आए, ऑन आपका एक दिए हो और इन दिए हो, तो अब इसमें से आपको चूज करना है, तो आप ऑन यूज करेंगे यानी चूज कर लेंगे। और अंडर दिए हुए हैं और अंडर और इन भी दिए हैं, तो यहाँ पे अंडर का यूज करेंगे, यानी अंडर को चूज कर लेंगे। तो इस तरह से हो जाता है द जंप डॉट डॉट द रिवर, द जंप इन टू द रिवर। अब मैं किसी चीज में कोई कूदा, जैसे नदी में कोई कूदा, तालाब में कोई कूदा, कुएं में कोई कूदा, तो मैं किसी चीज़ में, किसी चीज़ के अंदर मैं के लिए तो इनका यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे इनका यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब कोई कूदता है तो क्या करता है, उसमें गति होती है, और जब गति होती है तो इनटू का यूज़ करते हैं। डेथ इज प्रेटेबल डिसऑनर, तो डेथ इज प्रेटेबल टू, इसके साथ क्या यूज़ करेंगे, सदैव टू का यूज़ करेंगे। ही इज़ कॉन्फिडेंट डॉट विनिंग, He is confident of winning। जहाँ पे confident की बात आए वहाँ पे किसका use करेंगे, तो of का use करेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हो जाता है I congratulate you dot dot your success, यानी congratulate के साथ किसका use करेंगे, तो किसी को आप बधाई दे रहे हैं, उसकी सफलता के लिए बधाई दे रहे हैं, तो वहाँ पे on का use करेंगे, यानी I congratulate you ऑन योर सक्सेस, उसकी सफलता के लिए, है ना। आई प्रेफर मिल्क डॉट डॉट टी, यानी किसी से ज़्यादा कोई चीज़ पसंद होना, यानी आई प्रेफर मिल्क में चाय से ज़्यादा दूध पसंद करते हैं। तो जब किसी चीज़ से कोई चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है तो वहाँ पे टू का यूज़ करते हैं, यानी आई प्रेफर मिल्क टू टी, यानी यहाँ पे टू का यूज़ करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं ही इज सुपीरियर डॉट डॉट मी, सुपीरियर, जूनियर, इंपीरियर, इनके साथ किसका यूज़ करेंगे, तो इनके साथ सदैव टू का यूज़ करेंगे, यानी ही इज सुपीरियर टू मी, ये हो जाता है। यहाँ पे सीनियर भी हो तो वहाँ पे भी टू का यूज़ करेंगे। दे बीट हिम डॉट डॉट ए स्टिक, अब क्या कर रहे हैं, दे बीट हिम, तो बीट हिम यानी उसे पीटते हैं, किससे पीट रहे हैं, तो छड़ी से, यानी स्टिक यानी छड़ी, तो छड़ी से पीट रहे हैं, किसी चीज़ से पीटना यानी हम उसको क्या कर रहे हैं,
छड़ी कैसे पकड़ी जाती है, तो हाथ से पकड़ी जाती है, हाथ के संपर्क में कोई चीज़ होती है, तो जब वो चीज़ हाथ के संपर्क में है, यानी मैंने ये पेन पकड़ रखा है तो किसके संपर्क में, हाथ के संपर्क में है, हाथ से पकड़ रखा है तो इन्होंने छड़ी पकड़ रखी है, तो किससे, तो हाथ से पकड़ रखी है, तो जब हाथ से पकड़ रखा है तो यहाँ पे विद का प्रयोग हो जाएगा, यानी द बीट हिम विद ए स्टिक। आई विल इंट्रोड्यूस यू डॉट डॉट माई फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति से परिचय कराना, यानी अब क्या करा रहे हैं, आई विल इंट्रोड्यूस यू माई फ्रेंड्स, यानी किसी से परिचय करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और इंट्रोड्यूस के साथ में टू का यूज करते हैं, यानी आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड हो जाता है। हु इज नॉट फैमिलियर डॉट डॉट गांधी जी, फैमिलियर मतलब होता है परिचित, यानी गांधी जी से कौन परिचित नहीं है, या आप इस तरह से भी जान सकते हैं कि गांधी जी को कौन नहीं जानता है, भाई सभी लोग गांधी जी को जानते हैं, है ना, तो जब आप जानते हैं और फैमिलियर के साथ में, फैमिलियर मतलब परिचित है, तो परिचित के साथ हमेशा विद का यूज करते हैं, यानी हु इज नॉट फैमिलियर विद गांधी जी, ये हो जाता है। द CBSE हैज इंट्रोड्यूस मैनी चेंज द सिलेबस, चेंज के बाद डॉट डॉट है और द सिलेबस, यानी क्या कह रहे हैं कि CBSE ने बहुत ज्यादा बदलाव कराया, किसमें, तो पाठ्यक्रम में। अब किसी व्यक्ति से परिचय कराना है ना, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, द CBSE हैज इंट्रोड्यूस्ड, किससे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो परिचय करा रहे हैं CBSE से, और जब किसी व्यक्ति से परिचय कराया जाता है तो टू का यूज करते हैं, लेकिन जब कोई संस्था से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, यानी संस्था से परिचय कराया जा रहा है, तो इन टू का यूज करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब व्यक्ति से परिचय कराना तो टू, और अगर किसी संस्था, कोई संस्था से आप जुड़े हैं उससे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो इनटू का यूज करते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से आपने अभी पढ़ा कि अगर कोई नदी में कूद रहा है, कुएं में कूद रहा है, तालाब में कूद रहा है, तो इन मतलब में होता है, अंदर होता जरूर है, लेकिन इनटू का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, गति है। तो इसी तरह से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, जब हम व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराएंगे तो किसका यूज करेंगे, व्यक्ति के लिए टू का यूज करेंगे, लेकिन जब संस्था होगी तब किसका यूज करेंगे, तब इनटू का यूज करेंगे, इनटू का यूज करेंगे। उसके बाद हो जाता है ही डील्स गोल्ड, अब डील्स किसके साथ, अब किसी के साथ व्यापार किया जा रहा है, किसके साथ, गोल्ड, गोल्ड मतलब क्या होता है, सोना, है ना, सोना मतलब जो पहनने वाला होता है, यानी गोल्ड की यहाँ पे बात हो रही है, तो इससे जब डील किया जा रहा है तो यहाँ पे इनका यूज करेंगे। अब इसमें भी समझिएगा कि डील्स भी, इसमें भी दो चीज़ें यूज की जाती हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़, इसमें बड़ी कन्फ्यूजन रहती है, जो हिंदी में प्रीपोजिशन हो जाती है उसमें इतनी कन्फ्यूजन नहीं रहती है, लेकिन जो इंग्लिश में प्रीपोजिशन हो जाती है इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है कि कहीं पे इनका यूज हो रहा है तो कहीं पे इनटू का यूज हो रहा है, वही चीज़ के लिए कहीं पे टू का यूज हो रहा है तो इनटू का यूज हो रहा है, तो इस तरह से चीजें हो जाती हैं। तो ही डील्स डॉट डॉट गोल्ड, यानी उन्होंने क्या क्या व्यापार किया, व्यापार यानी सोना यानी गोल्ड के साथ, तो जब गोल्ड के साथ इन्होंने किया डील्स तो इन आएगा, यानी किसी चीज के साथ, सोने के साथ, चांदी के साथ, तांबे के साथ, पीतल के साथ, किसी भी चीज के साथ कोई डील कर रहा है। लेकिन अब देख लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं इसमें फर्क, जॉन डील्स डॉट डॉट द प्रॉब्लम, अब जो जॉन है किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, और वो अपनी प्रॉब्लम के साथ फेस कर रहा है, डील कर रहा है ना, प्रॉब्लम के साथ, अब प्रॉब्लम के साथ डील करने से मतलब क्या है, तो उसमें विद का यूज करेंगे, यानी किसी चीज के साथ डील करना तो इन, और किसी प्रॉब्लम के साथ डील करना तो विद का यूज करेंगे। ये चीज याद रखिएगा कि चीज के साथ डील करना तो इन, और किसी प्रॉब्लम, कोई जैसे प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि भाई जिंदगी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके साथ किसका यूज करेंगे, तो विद का यूज करेंगे। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, इनको अच्छे से समझिए और इनका रिवीजन करते चलें, क्योंकि जितना आप रिवीजन करेंगे चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के समझ में आएंगी।
तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ आप लोगों के लिए आते रहेंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से होती रहेगी। तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से स्टडी करते रहें। थैंक यू।